Care School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Mr. Pokhra, Madhwadi, Dashashwamedh branches in Varanasi. Amit Inspector है जो crime branch बनारस में posted है. मेरा husband है. बट 2006 में मेरी उसकी शादी हुई थी. 2006 से उसने मुझे बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया हमेशा. दो बच्चे हैं मेरे पास इस टाइम. 2014 में इस आदमी ने मुझे गोली मारी. गोली मारने के बाद इसने सारे प्रूफ डिलीट कराए. उसमें इसने बैक डेट में पिस्टल जमा कराई. इसने मेरे अपार्टमेंट में लगे हुए कैमरों के डीवीआर से सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कराई. उसके बाद ये जेल गया. जेल जाने के बाद भैया ये 7 महीने जेल में रहा. इसने मुझसे माफ़ी मांगी कि अब कभी हर बार कि अब कभी ऐसा नहीं करूंगा, एक मौका दे दे वरना नौकरी से चला जाऊंगा, बच्चे पाल लूंगा. भैया मैंने अपने बयान बदले कोर्ट में. उसके बाद इसकी बेल हुई. बेल क्या रिहाई हुआ. फिर ये मुकदमा ही ख़त्म हुआ. आया ये घर, इसने आके फिर मेरे साथ वही बदतमीजियाँ शुरू कर दी कि अब बता मेरा कौन सा क्या, अब मेरा क्या उखाड़ लेगी. इस आदमी ने भैया मेरे साथ इसने पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत घपले कर रखे हैं. 2012 में बनारस रह चुका है. 2012 में बनारस से ये आदमी करोड़ों रुपया कमा के लेके गया है. मिर्जा मुराद थाने में एसओ रहा था. पूरी रात गौकसी की गाय वाली गाड़ियाँ चलती थी, गाय भैंस वाली. इसने खूब गाड़ियाँ कटवाई हैं, निकलवाई हैं, वहाँ से खूब पैसा लेता था. आज आप बनारस आए हुए, आपके साथ एक लड़की भी है. मेरे साथ, अब बताती हूँ मैं आपको. उसके बाद भैया इसने अपने कैरेक्टर रोल अपने हाथ से लिख रखे हैं. कई जगह इसकी एप्लीकेशन दे चुकी है, आज तक उन पर किसी ने जाँच नहीं की कि इसका कैरेक्टर रोल चेक कर लो. इस आदमी ने अपने हाथ से अपनी मिसकंडक्ट अपने हाथ से इसने गायब कर रखी है घर में बैठ बैठ के. मैंने कितनी बार एप्लीकेशन दी कि इसकी मिसकंडक्ट, इसका कैरेक्टर रोल चेक करो, सब पता चल जाएगा. बिना परमिशन के बैंकॉक जाता है, वहाँ याशियाँ करके आता है. उसकी फ़ोटो मेरे पास है. आज तक इस किसी मतलब इस और नो मुकदमे इसके ऊपर चल रहे थे. इसने घोषणा पत्र में सब मैं नील दिखाया कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है. नो मुकदमे चलने के बावजूद इसने प्रमोशन ले लिया. उसकी मैंने इसकी जांच की एप्लीकेशन दी. 1.5 साल हो गया. वो जांच आज तक, जांच तो कंप्लीट हो गई पर वो SSP टावा के यहाँ रखी हुई है जांच. उसमें आज तक इसका ना तो इसको इसकी इसका प्रमोशन निरस्त किया गया, ना ही आज तक इसके खिलाफ कोई मुकदमा कायम किया गया. जबकि इसके इस RTI से मैंने इसका घोषणा पत्र भी मांग लिया था. घोषणा पत्र में इसने सारे मुकदमे नील दिखा रखे हैं. मैंने विद सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट की दी थी कि ये सारे मुकदमे इस पे चल रहे हैं जिस टाइम इसने घोषणा पत्र लिया, और वो आज की डेट में भी चल रहे हैं. उसके बावजूद इसका आज बताइए, एक महिला भी आपके साथ है यहाँ पर. सुनिए, ये एक महिला है इस ये मेरे पास आई. भैया मेरठ में मेरा घर है. ये मेरे पास आई, इसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आपका हस्बैंड है अमित, वो मेरे साथ मुझे बहुत बुरी तरह ब्लैकमेल कर रहा है. उस इंसान ने मेरी ज़िंदगी नरक कर दी, आप मुझे बचा लो. मैंने इसे बताया वो पिछले 2 साल से मेरे साथ ही नहीं रह रहा है, क्योंकि मेरे साथ वो इस कदर मारपीट करता था, इस कदर पूरी रात मेरी छोटी बच्चे हैं, मेरे 10 साल की बेटी है, 6 साल का मेरा बेटा है, 2 साल से मेरे साथ नहीं रह रहा. उस इतनी गंदी गालियाँ मेरी बेटी को, पूरी रात दारू पीना, सारे कर्म करता था घर में ही. उसके बावजूद 2 साल से मेरे साथ बिल्कुल नहीं रह रहा है, ना कोई खर्चा दे रहा है, ना कुछ दे रहा है. और ऊपर से भैया अब बनारस आ गया, ये लड़की ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे उसने मुझे ब्लैकमेल कर रखा है, आप मुझे बचाओ. मैंने कहा तुझे जहाँ तक चलना है मैं बता सकती हूँ कि ये किस नेचर का है, इतना मैं कर सकती हूँ. क्योंकि उस लड़की इसके मैंने इसके व्हाट्सअप चैट देखे, इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग देखी, इतनी गंदी तरीके से इसने इसको ब्लैकमेल कर रखा था. सारे व्हाट्सअप चैट उस लड़की के मोबाइल में मौजूद है, जो जो इसने इसके साथ किया है, और उसको किस कदर ब्लैकमेल करके होटल सिटी में बनारस बुलाता था. सारे कर्म इसने उसे किए, पूरी रात उसे टॉर्चर किया. आप बाकी उस लड़की से पूछ सकते हैं कि उसने इसे कैसे टॉर्चर किया है. आप साथ दे रही हो उस लड़की का? मैं उस लड़की का साथ दे रही हूँ, क्योंकि मैं जब घर से निकली थी ना भैया इससे टॉर्चर होकर, तो कोई साथ नहीं देता किसी का, वो मैंने परिस्थिति झेलनी है. इसलिए मैं उस लड़की के साथ हूँ, क्योंकि कम से कम किसी को तो न्याय मिले. वो लड़की तो निकल के आ गई है, बाकी पता नहीं इतनी इस तरह मतलब लड़कियों के साथ और भी कितनी लड़कियों के साथ उसने ये कर्म किए हैं, वो तो निकल कर आ गई है बस सामने, ये है. सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा पहाड़िया वाराणसी. भैया मामला ये है कि आपके यहाँ वाराणसी में क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर अमित कुमार है, उनसे मेरी कुछ रिश्ते की बातें चली थी, तो इसी उसमें मेरी उनसे बातचीत हुई, जिनको जो मेरी फैमिली को थोड़ा पहले से जानते थे. इसी बीच में उनसे मेरी बातें हुई, उन्होंने सामने से मेरी शादी का प्रस्ताव रखा था. मैंने उनसे कहा कि भाई ये सब बातें घर वाले करेंगे, मैं नहीं. उन्होंने मेरे घर वालों से बात की, घर वालों ने हाँ कर दी थी. तो उन्होंने मुझसे बोला कि हम पहले एक दूसरे को थोड़ा सा जान लेते हैं. तो मैंने कहा ठीक है, तो इसी मामले में ठीक है बात कर ली थी. उसके बाद उन्होंने मुझे ये झांसा दिया कि देखो ज़िंदगी तुम्हें काटनी है, ठीक है, तो थोड़ा मिल के एक दूसरे को बैठ के समझ लेते हैं, थोड़ा मिल लेते हैं. ऐसे मुझे उन्होंने अपनी बातों में गुमराह करके फंसाया और मुझसे मिलने के लिए कहा. तो मैं उनसे मिली. मिलने के बाद में उन्होंने क्या, उन्होंने मैंने मैंने जब उनको देखा तो मेरे मन में नहीं था कि मैं इनसे शादी करूँगी.
मिलने के बाद में उन्होंने जो मतलब मेरे साथ में मुझे खाने पीने में कुछ नशीली चीज़ मिला के मेरे साथ दुष्कर्म किया, मेरे फ़ोटो खींचे, मेरी वीडियो बनाई, उसके बाद में भी लगातार उन फ़ोटो से और वीडियो से मुझे ब्लैकमेल करते रहे। मैंने उनसे शादी के लिए मना कर दी थी, मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, मुझे फ़ोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रही, मुझे हर बार यहाँ बुलाते रहे ब्लैकमेल कर करके, मुझे मारा पीटा बहुत उन्होंने। मैंने जब उनका विरोध किया तब तक उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी की, मुझे जान से मारने की धमकी दी। ये होटल का वो रूम नंबर 2002 है, उससे मुझे खिड़की से नीचे फेंकने की भी उन्होंने मुझे धमकी दी, खिड़की से नीचे भी मुझे घेरने की उन्होंने। मुझे इस कदर उन्होंने टॉर्चर किया, मुझे डराया धमकाया, मैं हाथ जोड़ती रही उनसे बहुत ज़्यादा। इस बीच मेरा रिश्ता भी तय हो गया था, मैं अपने घर मना कर दी थी कि मुझे इनसे शादी नहीं करनी है। इस बीच मेरे घर वालों ने दूसरी जगह मेरा रिश्ता तय करा दिया था। वहाँ भी इन्होंने क्या किया कि मेरी मैंने इनसे फिर मैंने कहा ठीक है आपको जो करना है वो करिए। मैं पहले इनसे खूब रोई हूँ, गिड़गिड़ाई हूँ, इनसे मैंने हाथ जोड़े हैं, लेकिन ये इंसान नहीं माना। इसकी दरिंदगी, इसकी हैवानियत इस कदर थी ना कि इसको जरा भी रहम ही नहीं आया मेरे ऊपर। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, मैंने इनसे बात करनी बंद कर दी। मैंने कहा ठीक है आपको जो करना है वो करिए, आप अगर ऐसा करोगे मेरे फोटो वीडियो वायरल करोगे तो मेरे पास तो लास्ट ऑप्शन कुछ बचेगा नहीं आत्महत्या करने के अलावा। स्कॉलर्स वैली, अ होम ऑफ एजुकेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 8, कॉल 9235442970, नियर उकार हॉस्पिटल, सुंदरपुर, वाराणसी, एजुकेशन पार्टनर विद टाटा क्लास 8। तो ये फिर भी नहीं माने, मैंने इनसे बात करनी बंद कर दी। तो उन्होंने क्या किया, मैं इंस्पेक्टर के पद पे तैनात है, वर्दी है इनके पास, तो इसका मतलब ये थोड़े कि उसका ये मिसयूज करेंगे। मेरा नंबर ट्रेसिंग पे ये लगवाए हैं, मेरा कॉल डिटेल निकलवाए हैं, मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को, सबने इनको इन्होंने फ़ोन किया है, मेरा नंबर वो मेरा कॉल डिटेल निकलवा के। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब एक पुलिस इंस्पेक्टर किस तरीके से अपने पद का इस तरीके से मिसयूज कर सकता है। ये लोग लोगों को सुरक्षा देने के लिए होते हैं या लड़कियों पर अपनी हैवानियत दिखाने के लिए है? शिकायत किससे की है अभी और क्या करवाई? अभी मैंने जो शिकायत की है, मैंने यहाँ बनारस के जो SSP हैं उनसे मैंने इनकी शिकायत की है, और कार्रवाई जो उसमें हुई अभी तक ये है कि मेरा मुकदमा दर्ज हो चुका है और इन लोगों ने उसको सस्पेंड भी कर दिया है। आपको मालूम था कि ये पहले से शादीशुदा थे? जी नहीं, मुझे नहीं पता था। ये इस बीच ये मुझे अपने घर भी लेके गए थे, मुझे इसी ब्लैकमेलिंग करते करते मुझे अपने घर लेके गए थे। वहाँ मैंने इनके भाई की शादी की एल्बम देखी, इनके भाई के बच्चे, जब मैंने इनके साथ में किसी महिला को फोटो में देखा तो इनके भाई के बच्चों से मैंने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये हमारी ताई जी है। तब उस टाइम मुझे पता चला कि हाँ ये बंदा शादीशुदा है, और मैं इनकी भाभी से कह के भी आई थी कि ये मुझे इस तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे इनसे कोई शादी नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, और ये ऐसे मुझे धमकियां देते हैं मेरी वीडियो फोटो वायरल करने की, और इस तरीके से मुझे ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। ये बात मैं इनके घर बता के आई इनकी भाभी को। तो अभी क्या चाहती हैं आप? क्या अब मैं ये चाहती हूँ इस गंदे इंसान को कड़ी से कड़ी सजा मिले जो इसने मेरे साथ किया है। जब इसने बिल्कुल ही मतलब हद कर दिया मेरी, इधर उधर इन्होंने मेरी फोटो मेरे घर में भेजी है और इधर उधर भी मुझे नहीं पता किस किस को भेजी होंगी। जब ये बिल्कुल ही ये कर दिया ये सारे काम, मुझे लगातार धमकी देता रहा, इसके सारे प्रूफ मेरे पास हैं जो मैंने अपनी उसमें रिपोर्ट में मैंने इनको SSP सर को मैंने दिए हैं, CO मैम इसकी विवेचना कर रही हैं सारे मामले की, उनके पास सारे प्रूफ हैं, इसके ऑडियो सारी चीज़ें हैं मेरे पास में। जब इसने ये कर दिया तो मैं मजबूरी, जब मेरी मजबूरी हो गई इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की कि अब तो मेरे सब कुछ ख़त्म कर ही चुका है, अब मैं क्या करूँ, तब मैं सामने आई, तब मैंने इसके खिलाफ दो शिकायत दर्ज कराई। अभी जो चल रहा है, अभी इन लोगों ने इसे जिले से बाहर ना जाने के निर्देश दिए हुए हैं, और ये पुलिस उसमें जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें सहयोग करे इस चीज़ का निर्देश दिया हुआ है, बाकी अभी तक इसको अरेस्ट नहीं किया गया है। इस बीच ये भी हुआ है कि जो होटल का मालिक है वो इसका बहुत सालों से बहुत पुराना दोस्त है, और ये लोग भी सारा रिकॉर्ड चेंज कर दिए हैं। वो रूम नंबर 3002 में रुका हुआ था, ये रूम नंबर 3009 दिखा दिए हैं, वो अगस्त के लास्ट वीक में यहाँ आके रुका हुआ था, और ये सितंबर फर्स्ट वीक में दिखा दिए हैं। लेकिन मेरे पास में सारे प्रूफ हैं, मैं चाहती हूँ मेरे और इसके फ़ोन की लोकेशन निकलवाई जाए कि इतने तारीख को ये कहाँ था और मैं कहाँ थी। पुलिस क्या सहयोग कर रही है? पुलिस तो अभी अपनी कार्रवाई कर रही है, बाकी अभी तक इसको अरेस्ट नहीं किया गया है।